वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम बात करने वाले हैं राघा भाई की अपकमिंग ईपी मिड टर्म मैडनेस के बारे में। राघा भाई ने एक पॉडकास्ट में अपनी ईपी के बारे में कुछ बातें कही है, वो क्लिप मैं आपको शेयर कर देता हूँ, वो आप सुन लीजिए पहले। जो मैंने कभी ट्राई नहीं करे एक्चुअली। मैंने पहली बार डीएनबी करा है इस ईपी में, ड्रम एंड बेस आ रहा है, पहली बार ऐसा आ रहा है कि लाइक ब्लड रश है, यू वांट द बीट मोर देन द लिरिक्स, यू वांट द बीट मोर देन मी, बट आई विल स्टिल विन यू ओवर दैट। पहला जो फीचरिंग है वो डीजी मॉडल के साथ है, वो ऑलरेडी आउट हो चुका है, गाने का नाम है खींच मारी। अगेन फीचर किस नाम नहीं मिले, एक नाम एक अच्छा। On madness can't be completed without Ikka, the town is from Ikka first then me, so it's definite there. का भाई के भी साथ फीचरिंग देखने को मिलने वाला है राघा भाई की ईपी में, जैसा कि राघा भाई ने बताया है। बाकी सरप्राइज है एक वाला ना, बाकी वेट करते हैं भाई की। सरप्राइज फीचरिंग की जो बात कर रहा है वो मोस्ट प्रोबेबली एमसी स्टैन का फीचर हो सकता है। राघा भाई ने एमसी स्टैन के बर्थडे पे एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें राघा भाई और एमसी स्टैन दोनों स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली ड्रम एंड बेस वाला गाना हो सकता है, जिसमें एमसी स्टैन की फीचरिंग होगी और एमसी स्टैन का वर्स हमें सुनने को मिल सकता है। That's it, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर और कमेंट कर दीजिएगा।